बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 गैशियस एक्सचेंज, ठीक है, उसका थर्ड लेक्चर ये होने जा रहा है। ठीक है, दो वीडियोस बन चुकी हैं, एक ओवरव्यू जिसमें हो चुका फर्स्ट वीडियो के अंदर, दूसरी वीडियो के अंदर हमने गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स उसको डिस्कस किया, जिसमें हमने रेस्पिरेशन को भी डिस्कस किया, फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया और बहुत सारी उसमें बातें की। वो दोनों वीडियोस आपको देखने ही ज़रूरी हैं, ठीक है। ये थर्ड वीडियो उसी टॉपिक का आगे तसलसल है, स्टोमेटा, ये टॉपिक है हमारा। तो ये हमारा ये ओवरऑल इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। लास्ट टाइम हम ये सारी बातें डिस्कस कर चुके, गैसेस एक्सचेंज के अंदर लेन देन हो रहा है गैसेस का, लेकिन कहाँ से हो रहा है। हम प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो प्लांट्स में वो कौन सी जगह है जहाँ से ये एक्सचेंज हो रहा है, ये लेन देन हो रहा है, कौन कौन सी गैसेज इन्वॉल्व हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस जो है वो फोटोसिंथेसिस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट में मौजूद है, जो रेस्पिरेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। एनिमल्स जो हैं वो रेस्पायर कर रहे हैं, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है और बॉडी से निकल के एनवायरनमेंट में आ रही है। और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं और उसके नतीजे में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस उनकी बॉडी के अंदर हो रही है और वो ऑक्सीजन गैस जो है वो एनवायरनमेंट में जा रही है। एनिमल्स एनवायरनमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहे हैं, प्लांट्स एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन गैस दे रहे हैं। और एनिमल्स ले क्या रहे हैं? एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन दे रहे हैं। यहाँ तक ये बात हो गई। लेकिन प्लांट्स की बात हो रही है तो प्लांट्स में किस जगह पर ये लेन देन हो रहा है? ये हो रहा है लीफ में। कहाँ हो रहा है ये? लीफ वो जगह है जहाँ पर ये लेन देन हो रहा है। लेकिन लीफ में किस जगह पर हो रहा है? क्या पूरे लीफ में? ये जो लीफ है क्या पूरे लीफ में? नहीं, पूरे लीफ में नहीं। लीफ जो है, अगर आप सनलाइट, इस सन से ज़रा समझें तो ये सन है। इस लीफ के दो पोर्शन है, एक एक्सपोज डायरेक्टली एक्सपोज टू सन, ये सन की तरफ एक्सपोज्ड है, यानी कि सन की तरफ इसका मुंह है पत्ते का, लीफ का। और दूसरा जो पोर्शन है लीफ का वो नीचे है, नीचे वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन जो है वो डार्क है, सॉरी, ये वाला पोर्शन जो है वो ब्राइट है, और नीचे वाला पोर्शन जो लीफ का है वो क्या है? वो डार्क है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है लीफ का, जैसे कि सपोज करें ये लीफ है, ये लीफ है, ठीक है, तो ये सन है। तो ये देखें, ये लीफ का ये ऊपर वाला पोर्शन सन की तरफ है और ये नीचे वाला पोर्शन जो मेरी तरफ है, समझ में आ गई बात? वो बोर्ड पे सन बना हुआ, तो ये ऊपर वाला पोर्शन सन की तरफ है और ये नीचे वाला मेरी तरफ है। तो नीचे वाला जो पोर्शन है लीफ का, यहाँ पर होल्स हैं कुछ, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। ये प्लूरल वर्ड है। क्या है ये? प्लूरल वर्ड है, और इसका सिंगुलर जो है वो है स्टोमा। और ये होते क्या हैं? ये होल्स हैं। इन्हीं होल्स को ओपनिंग भी कहा जाता है, ओपनिंग्स या होल। तो ये होल मौजूद है, कहाँ पर मौजूद है? लोअर साइड ऑफ द लीफ, यहाँ पर ये मौजूद है। और इन होल्स के ज़रिए ही एक्सचेंज का काम हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। इन होल्स के ज़रिए ही ऑक्सीजन जो है वो लीफ से बाहर आ रही है और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जा रही है। इसके अलावा एक और चीज़ लीफ में से बाहर आ रही है, वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, वो आगे चल के बताऊँगा आपको। उनको हम वाटर कहते हैं, वाटर वेपर। तो ये वाटर जो है वेपर्स की शक्ल में निकल रहा है, वो भी इन्हीं स्टोमेटा से निकल रहा है, समझ में आ गई बात? और हमारे एनवायरनमेंट में ये वाटर वेपर निकल रहे हैं, ठीक हो गई यहाँ तक बात? अब आगे चलते हैं इसमें।
अब इसके मैकेनिज्म को ज़रा समझने की ज़रूरत है कि ऐसा होता क्यों है। पहली बात ये होता क्यों है, होना ज़रूरी है भाई, ये होगा नहीं तो क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को मिलेगी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर बड़ी लंबी दास्तान है, उसको तो बाद में देखेंगे। बहरहाल इसका ज़रा आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए इस स्टोमेटा का। याद रहे कि स्टोमेटा जो है वो दो सेल्स से मिलके बनता है। स्टोमेटा हम होल को कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये होल जो बन रहा है, ये स्टोमा जो बन रहा है, ये मुंह जो बन रहा है, इसका स्टोमा वर्ड का मतलब है माउथ, तो ये मुंह जो बन रहा है ये किस वजह से बन रहा है। ये सेल्स की शेप जो है वो नॉर्मली ये होती है, आप देखते हैं ये एनिमल सेल है, इसके बीच में जो है वो न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है, जैसे कि हमारा एग अंडा होता है, अंडे को देख लीजिए तो इस तरह अंडे का ये शेल होता है, हार्ड शेल जिसको उर्दू में खोल कहा जाता है। इसको तोड़ते हैं तो अंदर दो किस्म के लिक्विड मिलते हैं, एक ये बीच में जो गाढ़ा लिक्विड होता है इसको हम जर्दी कहते हैं। याद रहे ये भी लिक्विड है, ये जर्दी भी लिक्विड है लेकिन ये गाढ़ी है, ज़्यादा डेंस है। ठीक है, और फिर ये सफ़ेदी है, ये भी लिक्विड है। ये दोनों लिक्विड जो हैं वो किस में पैक हैं, इस शेल में पैक हैं। बिल्कुल एक सेल का स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है। तो सेल के अंदर जो है वो, अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल की बाहर वाली जिस तरह ये शेल होता है, इसी तरह यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर भी आपको दो किस्म के लिक्विड मिलेंगे, एक डेंस लिक्विड मिलेगा, एक लेस डेंस मिलेगा। ये जो लेस डेंस है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन शेल की तरह है, साइटोप्लाज्म जो है वो सफ़ेदी की तरह है, और ये बीच में जो गोल गोल नज़र आ रहा है इस सेल के, ये बिल्कुल इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो है वो बिल्कुल इस जर्दी की तरह है, समझ में आ गई बात। जर्दी, जर्दी न्यूक्लियस, सफ़ेदी साइटोप्लाज्म, शेल सेल मेम्ब्रेन, ये एनिमल सेल की बात हो गई। प्लांट सेल में थोड़ा सा फ़र्क होता है, प्लांट सेल में जो है वो, वैसे तो और भी डिफरेंसेस हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में, प्लांट सेल की शक्ल कुछ इस किस्म की होती है। ये जो आपको ये जो बॉर्डर सा नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं सेल वॉल, ये सेल वॉल। और बीच में जो गोल सा नज़र आ रहा है आपको, ये बिल्कुल इस जैसा ही है, सेल एनिमल सेल जैसा। यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर फ़र्क जो है, एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस आ गया, साइटोप्लाज्म आ गया और सेल मेम्ब्रेन आ गया। ये तीन चीज़ें आ गई, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के अंदर चार चीज़ें आ गई, ये चौथी चीज़ सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ पर हम देखते हैं तो इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या है, साइटोप्लाज्म। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन है, ये रही, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। फ़र्क सिर्फ यहाँ पर एक और निकल आता है सेल वॉल के अलावा, वो क्या है कि जिस तरह एनिमल सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, प्लांट सेल के बीच में न्यूक्लियस नहीं होता, साइड में होता है, इस तरह से साइड में ये न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल के। समझ में आ गई बात, थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को समझना भी आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, फिर ये बीच की खाली जगह है, यहाँ पर क्या होता है, इसको सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। ये बड़ा सा गोल होता है बीच में, ये गोल सा जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल या लार्ज वैक्यूल। इसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल। यानी कि प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसको ज़्यादातर कवर किसने कर रखा है, इस सेंट्रल वैक्यूल ने कर रखा है। ठीक है, वैक्यूल क्या है, ये हमारे पास तो 7-8 किस्मों के जो है वो सेल ऑर्गेनल होते हैं, उनमें से एक टाइप है ये सेल ऑर्गेनल की। ठीक है,
और ये न्यूक्लियस साइड में होता है। ये सारा स्ट्रक्चर आपको समझना ज़रूरी है। ये सेंट्रल वैक्यूल जो होता है ये पाउच थैली की तरह होता है। इस थैली के अंदर जो है वो क्या भरा हुआ होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है। लिक्विड भरा हुआ होता है, क्या होता है इसके अंदर, लिक्विड भरा हुआ होता है। और इसी लिक्विड को मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पर, इस लिक्विड को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, इस लिक्विड को जो कि इस लार्ज वैक्यूल में भरा हुआ है, इसको हम कहते हैं सेल सैप, सेल सैप। तो ये अब ये लिक्विड जो है इसी को आप एक और नाम दे सकते हैं, इसको सल्यूशन कह सकते हैं। जब हम सल्यूशन की बात करते हैं तो आपको पता है सल्यूशन जो है वो दो चीज़ों का मजमुआ होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। जैसे कि आप सॉल्ट सल्यूशन बना लीजिए, सॉल्ट सल्यूशन आप बना लीजिए। इसके लिए क्या करें, एक बीकर ले लें, इसमें आप पानी डाल दीजिए और इसमें आप सॉल्ट डाल दीजिए, तो सॉल्ट प्लस वाटर हो गया। दोनों में से ज़्यादा मिकदार में कौन सा है, सॉल्ट है या वाटर है, बच्चे से पूछेंगे वो भी बता देगा सर कि वाटर जो है वो ज़्यादा मिकदार में है और सॉल्ट जो है वो कम मिकदार में है। ठीक है, पहले आपने पानी भरा, उसमें दो तीन चम्मच आपने सॉल्ट डाल दिए, इसको हिला लिया, ये क्या बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें मिकदार जो है वो कम इसकी है सॉल्ट की, वाटर की ज़्यादा मिकदार। ये जो कम मिकदार वाला है, जो भी चीज़ कम मिकदार वाली होती, ज़रूरी नहीं है सॉल्यूशन आप सॉल्ट का ही बनाएं, आप शुगर सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। बहरहाल तो ये जो सॉल्ट है ये कम मिकदार में, जो भी चीज़ कम मिकदार में होती है किसी सॉल्यूशन में उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और जो ज़्यादा मिकदार में होती है जैसे कि पानी है यहाँ पर, ये कहलाता है सॉल्वेंट। नोट्स में डाल लीजिए, सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बेहद अहम है, वरना आपको ये मैकेनिज़म जो है स्टोमेटा का वो समझ में नहीं आएगा कि स्टोमेटा जो खुलते और बंद होते हैं इसके पीछे मैकेनिज़म क्या है। तो इस सारे स्ट्रक्चर को ज़रा समझना आपके लिए ज़रूरी है। लार्ज वैक्यूल की बात कर रहे थे, इसमें क्या मौजूद है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक लिक्विड मौजूद है जिसको मैंने सॉल्यूशन का नाम दिया है, सॉल्यूशन का नाम दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट लाजमी होगा, एक चीज़ इस सॉल्यूशन के अंदर। और सॉल्यूशन का एक स्पेसिफिक नेम है सेल सैप, सेल सैप इस सॉल्यूशन का नेम है। अब इसमें इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो सेल सैप है, जो लार्ज वैक्यूल में भरा हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हमारा टॉपिक फ़िलहाल नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको बॉटनी के अंदर ये सारी चीज़ें समझ में आए। तो इस सेल सैप के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर जो ज़्यादा मिकदार है वो वाटर की है, किसकी है, वाटर की। यहाँ बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी भरा हुआ है। अच्छा, पानी भरा हुआ है इसके अंदर, तो पानी के साथ दूसरी क्या चीज़ है, क्योंकि पानी तो हो गया क्या, सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट इसमें एक नहीं है, कई किस्मों के सॉल्यूट हैं। प्लांट्स जो हैं ज़मीन से मिनरल्स अपटेक करते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये मिनरल्स कहलाते हैं। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बाद में कभी बनाएंगे। बहरहाल ये वो मिनरल्स हैं जो कि ज़मीन के अंदर कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। तो जब हम ज़मीन में पानी डालते हैं तो ये मिनरल्स ज़मीन से पानी के साथ रूट्स में चले जाते हैं, और रूट से अब ये पानी और ये मिनरल्स का सॉल्यूशन जो है रूट से होता हुआ स्टेम में आता है, और स्टेम से होता हुआ लीव्स में आता है, और लीव्स में आने के बाद लीव्स के सेल्स में चला जाता है, और लीव्स के सेल्स में आने के बाद सेल में कहाँ चला जाता है, इस वैक्यूल में चला जाता है, और यहाँ पर ये सॉल्यूशन सेल सैप कहलाता है। बात समझ आ गई। तो पानी आपने ज़मीन में डाल दिया, ज़मीन में मिनरल्स पहले से मौजूद हैं, तो वो पानी और वो मिनरल्स मिक्स हो गए, सॉल्यूशन बन गया। वही सॉल्यूशन मिनरल्स का रूट्स ने लिया, ऊपर चला गया, स्टेम में चला गया, स्टेम से आगे वो लीव्स में चला गया, और लीव्स के सेल्स में चला गया, और सेल्स में फाइनली ये लार्ज वैक्यूल में चला गया। ये सेल्स है अंदर। ये सब कुछ समझाना, आप समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अब चलते हैं ज़रा इसके मैकेनिज्म की हम बात कर लें ज़रा, कि होता क्या है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें इस स्टोमेटा का, तो उसमें हो क्या रहा है। स्टोमेटा ये होल जो हैं ये दो काम कर रहे हैं, दो किस्म की हरकत ये कर रहे हैं। कौन, स्टोमेटा कौन सी हरकत कर रही है, ये क्लोज भी हो रहा है होल स्टोमा, और ओपन भी हो रहा है। लेकिन ये होल बना किससे है,
ये जो होल है जिसको हम स्टोमा कह रहे हैं, ये होल बना किससे? ये बना है दो सेल्स से। इन दो सेल्स को हम कहते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। ये आम सेल्स जैसे नहीं है, जैसे कि मैंने अभी प्लांट सेल बनाया था और एनिमल सेल बनाया था, ये ऐसे नहीं है। इनका इशू ये है, ये आपको बीन शेप नज़र आएंगे, ठीक है, जैसे किडनीज की शेप होती है ना यूं, इस तरह की, ये इस तरह के होते हैं, ये रहे। और नजर आ रही है ये दो सेल मैंने बना दिए, ठीक है भाई। अब याद रहे कि ये दोनों सेल कहां पर मौजूद हैं। अब बीच में क्या है? ये रहा ये होल, जिसको स्टोमा कह रहे हैं ना, स्टोमा। ये रहा ये होल, ये रहा, और ये बीन की शेप के क्या हो गए? ये दो गार्ड सेल्स आ गए। अब एक और पिक्चर बनाता हूं, उसमें आप देखें जरा। ये और ये दो शेप्स आप देख लें। इसमें आपको, इस शेप में आपको ये जो बीच में होल बना हुआ है, ये क्लियरली ये नज़र आ रहा है आपको, ये रहा, ठीक है। स्टोमा यहाँ पर मौजूद है, गार्ड सेल्स, एक गार्ड सेल ये रहा, दूसरा गार्ड सेल ये रहा, दोनों गार्ड सेल्स के बीच में ये होल मौजूद है। यहाँ पर भी ये दोनों गार्ड सेल्स मौजूद हैं, ये रहे, एक ये रहा और एक ये रहा, लेकिन बीच में कोई होल नहीं है, कोई स्टोमा नहीं है। कहाँ गया वो स्टोमा, कहाँ गया वो होल? हुआ ये कि ये जो सेल्स हैं, ये क्या होगा? ये क्लोज हो गए जी। इन दोनों सेल्स में, ये जो बीन शेप्ड सेल्स हैं, इनमें चेंज आया है। ये यहाँ से आगे गया, इस सेल का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये आगे की तरफ गया, और इस सेल का ये वाला जो पोर्शन है, ये भी आगे की तरफ आया। एरो बना के मैं समझा रहा हूँ, ये देखें, ये एरो। तो इस तरह से ये यूं आके ये मिल गए, ये मिली हुई शक्ल ये रही। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्टोमा जो है वो क्लोज है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टोमा जो है वो ओपन है। तो आपको समझ में आई ये बात कि स्टोमा क्या है? यहाँ पर ये रहा, और ये जो दो सेल हैं, ये गार्ड सेल्स हो गए। यहाँ पर स्टोमा नहीं है, गार्ड सेल्स जो हैं उन्होंने अपने इस पोर्शन को बंद कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है, इसको हम कहते हैं कि ये स्टोमेटा जो हैं वो ओपन स्टोमेटा हैं, ये स्टोमेटा खुले हुए हैं, ये स्टोमेटा बंद हैं, वाई और वैन, दो सवाल, वाई और वैन। पहली बात, यहाँ ये बंद, यहाँ ये खुले हुए हैं तो क्यों खुले हुए हैं, और यहाँ पर ये बंद हैं तो क्यों बंद हैं? इसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का मैकेनिज्म। ये कौन सा मैकेनिज्म है, ये कौन सा तरीका है जो अल्लाह ताला ने रखा हुआ? देखें, सोचने की बात है ना, प्लांट्स हैं, उसके अंदर लीव्स हैं, उसके अंदर ये स्टोमेटा हैं, कभी तो ये स्टोमेटा बंद हो रहे हैं, कभी खुल रहे हैं। अगर ये खुले रहेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन गैस इसमें से निकल के बाहर एनवायरनमेंट में जाएगी, और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इनके ज़रिए अंदर लीफ में जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो होल बंद हो चुका। ये जब होल बंद हुआ है, ये कब हुआ है ये आपको बता देता हूँ। वाई का जवाब तो मैं आपको अभी देता हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ, वैन का बता देता हूँ कि ये कब होता है, ये खुलते कब हैं और ये बंद कब होता है। तो ये कब होता है? ये जब नाइट हो जाती है, रात हो जाती है, तो ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। और डे जब आता है, दिन निकलता है, तो ये स्टोमेटा जो है वो खुल जाते हैं, ठीक है भाई। वजह आपको पता चल गई। अब आगे चलते हैं ज़रा वाई की तरफ, कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, दिन में क्या होता है, दिन होता क्यों है? सूरज की वजह से होता है, सन निकलता है, सन निकलता है तो सनलाइट आती है, सनलाइट आएगी
तो सनलाइट कहाँ जाएगी? प्लांट्स के पास जाएगी। प्लांट्स के पास कहाँ जाएगी? लीफ के पास जाएगी। लीफ के पास जब सनलाइट जाएगी तो एनवायरनमेंट में हमारे पास क्या है मौजूद? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद है, ठीक है, वो भी मौजूद है। अच्छा, कुछ अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अंदर भी मौजूद होता है। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सुबह के टाइम सूरज तो निकल गया, सनलाइट तो आ गई। अब जिस टाइम सूरज निकला, सनलाइट आई, तो इसकी पोजीशन तो ये है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन कैसे हुई? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इन होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तब जाके ये स्टोमा खुलेंगे, ये होल खुलेगा जी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा इन्हीं गार्ड सेल्स के अंदर, इन दोनों सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कब होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आएगी भाई? होल ही बंद हो चुका है तो ये बात नहीं है, इसको हम कहते हैं ये मुकम्मल बंद नहीं होता, इसमें थोड़ी सी जगह बाकी रहती है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही बंद हो जाए, थोड़ी सी जगह बाकी रहती है, थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड इसमें चली जाती है। बहरहाल दिन निकल गया है तो सूरज की रोशनी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी थोड़ी अंदर जा रही है और एंजाइम्स पहले से मौजूद हैं इनके अंदर, ठीक है। वाटर जो है वो ज़मीन से यहाँ तक पहुँच गया। अब वाटर जो पहुँचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो पहुँचेगी, एंजाइम्स जो होंगे वो अपना काम करेंगे, उसके नतीजे में क्या होगा? और सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा सुबह। तो जैसे जैसे ग्लूकोज बनना शुरू होगा तो वो कहाँ बनेगा भाई? इधर ही बनेगा ना। ग्लूकोज यहाँ पर क्या होगा? जमा होना शुरू हो जाएगा इन गार्ड सेल्स के अंदर। इसके अलावा पानी जो है, वाटर, वो भी आना शुरू हो जाएगा। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ग्लूकोज यहाँ बनना शुरू हो रहा है क्योंकि पानी आता जा रहा है, पानी आता जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? रूट्स में से आ रहा है, रूट्स में से पानी यहाँ पर आ रहा है। अब पानी भी आ रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो रहा है, ग्लूकोज भी बन रहा है, पानी भी जमा हो रहा है, उससे होगा क्या? जब पानी ज़्यादा जमा हो जाएगा तो पानी इसके अंदर जब जमा होगा तो क्या होगा? प्रेशर डेवलप होगा। प्रेशर डेवलप होने से क्या होगा कि ये जो साइड है, ये जो पोर्शन है, यहाँ पर मैं इधर दे दिखाता हूँ, ये जो है, ये इस गार्ड सेल का ये जो पोर्शन है और इस गार्ड सेल का ये जो पोर्शन है, नज़र आ रहे हैं आपको मेरी फिंगर, ये जो दोनों को एक साथ बना देता हूँ, ये जो पोर्शंस हैं इनके, ये क्या होगा? इनके ऊपर प्रेशर डेवलप होगा, उस वाटर का और इस ग्लूकोज का क्या होगा? प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर लगेगा इनके ऊपर। प्रेशर लगने से क्या होगा? प्रेशर लगने से ये होगा कि ये खुल जाएंगे इस तरह से। जितना ज़्यादा पानी आता रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जितना ज़्यादा पानी आता रहेगा प्रेशर डेवलप होता रहेगा, और पानी के प्रेशर की वजह से एक फोर्स जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी। पानी और इस ग्लूकोज के प्रेशर की वजह से, ठीक है, एक फोर्स जो है यहाँ पर डेवलप हो जाएगी। उस फोर्स को हम कहते हैं टर्गर फोर्स, टर्गर। उस फोर्स का नाम क्या है? टर्गर। टर्गर इज़ द नेम ऑफ फोर्स। ये वो फोर्स जनरेट होगी जिसके नतीजे में, और ये टर्गर फोर्स जो है वो इन पोर्शंस पे अप्लाई होगी गार्ड सेल्स के, और जब गार्ड सेल्स के इन पोर्शंस पे ये टर्गर फोर्स अप्लाई होगी तो उसके नतीजे में ये क्या होगा? ये खुलना शुरू हो जाएंगे। बात समझ आई आपको? फोर्स वर्ड को मैंने फिज़िक्स में भी बहुत तफसील से बयान किया है। फोर्स, कोई भी बॉडी हरकत कर ही नहीं सकती, देखें अब ज़रा ध्यान लगाइएगा, कोई भी बॉडी हरकत कर ही नहीं सकती जब तक फोर्स ना लगे। ये मार्कर यहाँ से यहाँ जा रहा है क्यों? क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मेरा हाथ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्कर यहाँ आ रहा है क्यों? क्योंकि मेरा हाथ फोर्स लगा रहा है। मतलब हरकत जो है वो फोर्स के बगैर नहीं हो सकती, पहली बात तो ये। तो भाई ये भी तो हरकत है ना, गार्ड सेल्स के ये जो पोर्शन है, इसका, इस गार्ड सेल का ये वाला पोर्शन पीछे की तरफ जा रहा है, इस गार्ड सेल का ये वाला पोर्शन इस तरफ को खुल रहा है जिसके नतीजे में ये होल बन रहा है, तो ये भी तो हरकत है ना, ये भी तो मोशन है। तो हरकत है तो यकीनन फोर्स होगी इसके पीछे। कौन सी फोर्स है? उस फोर्स का नाम है टर्गर। और ये फोर्स जो है उसकी वजह से क्या होगा?
प्रेशर डेवलप होगा और स्टर्गर फोर्स, ये अब फोर्स अगर जनरेट हो रही है, लग रही है, तो उसके पीछे भी तो कोई चीज़ होगी ना जो कि वो फोर्स प्रोड्यूस कर रही है। देखिए फोर्स तो बात समझ में आ गई कि फोर्स लग रही है इसकी वजह से ये खुल रहे हैं, उस फोर्स का नाम टर्गर है, ओके फाइन, लेकिन कोई तो चीज़ होगी जो कि उस फोर्स को जनरेट कर रही होगी, प्रोड्यूस कर रही होगी, वो जो चीज़ है वो वाटर है। जितना ज़्यादा वाटर यहाँ पर जमा होता रहेगा उतना ही ज़्यादा जो है वो प्रेशर डेवलप होता रहेगा, उतना ही ज़्यादा टर्गर जो है वो फोर्स ये बढ़ती रहेगी, और वो फोर्स क्या करेगी, गार्ड सेल्स के इन पोर्शन को खोलती रहेगी। जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, जितना ज़्यादा टर्गर लगेगा, उतना ज़्यादा ये गार्ड सेल्स खुलते रहेंगे, ये पोर्शन गार्ड सेल्स का खुलता रहेगा, उतना बड़ा होल जो है वो बन जाएगा। बात समझ आ गई? तो अब समझ में आ गया हमें कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के पीछे ये टर्गर इन्वॉल्व है, इसको हम टर्जिडिटी भी कहते हैं। टर्जिडिटी, ये बार बार वर्ड आएगा इसलिए ज़रा इसको अच्छे से समझ लीजिए। टर्जिडिटी, टर्जिडिटी या टर्गर फोर्स भी कहते हैं इसको। तो ये टर्गर फोर्स है जो कंपेल कर रही है, मजबूर कर रही है गार्ड सेल्स के इन पोर्शन को कि ये खुल जाएं, और ये टर्गर फोर्स, और जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ती रहेगी तो गार्ड सेल्स की पोजीशन कुछ यूँ हो जाएगी, ठीक है, ये वाली, ये, और ये होल जो है वो बन जाएगा। जब ये होल इतना खुल चुका है तो आप समझ सकते हैं इस वक्त कि इन सेल्स के की हालत क्या होगी। तो हम कह सकते हैं टर्जिडिटी बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पर, टर्जिडिटी यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि टर्गर फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि वाटर की मिकदार यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। ये तो बात समझ में आ गई। अब इससे आगे चलते हैं, सेल वॉल का किरदार यहाँ पर ज़रा देख लीजिए। सेल वॉल, आखिरी बात करके वीडियो ख़त्म करते हैं, सेल वॉल का ज़रा किरदार देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों गार्ड सेल्स क्योंकि सेल हैं, और ये सेल प्लांट सेल के हैं, भले लीफ के हों, लीफ भी प्लांट का हिस्सा है, तो एक बात तो तय है कि इन गार्ड सेल्स के पास भी सेल वॉल होगी। इस सेल वॉल के दो पोर्शन हैं, एक ये पोर्शन है आउटवर्ड, बाहर की तरफ वाला, ठीक है, और एक पोर्शन इसका ये वाला है, इसको यहाँ एरो बना के बता रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, इनवर्ड, अंदर की तरफ, ठीक है भाई, इनवर्ड अंदर की तरफ। सेल वॉल का ये वाला पोर्शन जो है वो इनवर्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है ये बाहर की तरफ है। सेल वॉल के ये जो दो पोर्शन हैं इनकी थिकनेस में फ़र्क है, ज़रा समझिएगा इस बात को, इनकी थिकनेस में फ़र्क है। ये जो आउटवर्ड पोर्शन है सेल वॉल का, ये थिन है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, थिन है, पतला है और इलास्टिक है, इसमें खिंचाव बहुत ज़्यादा है, यहाँ इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है इस आउटवर्ड पोर्शन में। और ये जो इनवर्ड पोर्शन है अंदर की तरफ वाला सेल वॉल का पोर्शन है, यहाँ पर इलास्टिसिटी कम है और ये थिक है, बहुत ज़्यादा थिक पोर्शन है। समझ में आ रही है बात आपको? तो जब वाटर आएगा, अब देखें बात को ज़रा समझिएगा, ये पोर्शन थिक है, ये पोर्शन थिन है और इलास्टिक भी है। पानी जब इनके अंदर आएगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, प्रेशर, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। अब वो प्रेशर का नतीजा कहाँ नज़र आएगा, जहाँ थिकनेस ज़्यादा है या थिननेस ज़्यादा है, डेफिनेटली इस जगह पे आएगा। आउटवर्ड आएगा, इनवर्ड नहीं आएगा, इनवर्ड थिक है, प्रेशर जो डेवलप होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो इसकी वजह से ये जो थिन पोर्शन है सेल वॉल का, ये पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाएगा, पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाएगा, और जब ये पीछे हटेगा तो ये जो पोर्शन है ये भी पीछे आता रहेगा। समझ आ रही है बात? यहाँ प्रेशर लगेगा आउटवर्ड पोर्शन पे सेल वॉल के, जो कि थिन है, पतली है, इलास्टिक है, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा, उसकी वजह से ये पोर्शन यहाँ से यहाँ आएगा, और इस पोर्शन के यहाँ से यहाँ आने की वजह से ये पोर्शन भी अपनी जगह से खिसकेगा, जो थिक वाला है वो भी पीछे की तरफ आएगा। तो आप ये समझ रहे होंगे कि वाटर जो
प्रेशर लगाएगा वो इस पे लगाएगा शायद, जिसकी वजह से ये पीछे आएगा। नहीं, इस पे नहीं लगाएगा भाई, इस जगह लगाएगा, इस जगह प्रेशर लगाएगा जो आउटवर्ड है, जो कि थिन है, जहाँ इलास्टिसिटी ज़्यादा है, तो कमज़ोर है ये पोर्शन। तो यहाँ पर जब प्रेशर लगेगा तो इसको आगे की तरफ धकेलेगा, जिसकी वजह से ये भी अपनी पीछे की तरफ ये पोर्शन आ जाएगा और स्टोमा बन जाएगा, यानी कि होल बन जाएगा। बात समझ आ गई। यहाँ पर ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।